हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन मित्रा हिंदी में। मैं हूं आपका दोस्त हेमंत। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताएंगे। दोस्तों, आप मार्केट से कोई भी नया बोर्ड लेते हो, मदरबोर्ड लेते हो, एलईडी एलसीडी का या कॉम्बो बोर्ड लेते हो, तो दोस्तों उसमें कई बार ये प्रॉब्लम आता है कि बोर्ड ऑन ही नहीं होता। बिल्कुल फ्रेश बोर्ड होता है जैसे कि इस तरह से, लेकिन वो ऑन ही नहीं होता, या तो स्टैंड बाई में रुका रहता है या तो बिल्कुल भी ऑन नहीं होता। तो इस कंडीशन में दोस्तों आपको वो बोर्ड वापस तो नहीं लेगा, जो भी दुकान वाला है वो बोर्ड वापस नहीं लेता है, तो आपका बहुत बड़ा लॉस उसमें हो जाता है। लेकिन आप उस बोर्ड को कैसे ठीक कर सकते हो, इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे। तो मेरे पास भी एक ऐसा ही बोर्ड है, 24 इंच का कॉम्बो बोर्ड, जो कि ऑन नहीं हो रहा है, स्टैंड बाई में है, बिल्कुल फ्रेश बोर्ड है, लेकिन ये ऑन नहीं हो रहा है। तो इसको कैसे हम चेक करेंगे और कैसे इसको ठीक करेंगे, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो इसी तरह से आप कोई भी 32 इंच का, 24 इंच का कोई भी बोर्ड हो दोस्तों, अगर स्टैंड बाई में रुका, तो उसको कैसे चेक कर सकते हो, उसको कैसे ठीक कर सकते हो, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, जिससे आपका लॉस नहीं होगा। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अगर स्किप कीजिएगा तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक आप जरूर कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि हम इतना मेहनत से वीडियो बनाते हैं दोस्तों। लाइक अगर आप एक लाइक कर देते हो तो हमारा इससे मोटिवेशन बढ़ जाता है। अभी मैं इसमें सप्लाई देता हूँ, ये देखिए दोस्तों, मैंने अभी सप्लाई दे दिया है। आप देख सकते हो इसका पावर इंडिकेटर जल रहा है, ठीक है दोस्तों, ये देखिए इंडिकेटर जल रहा है। लेकिन ये पावर बटन को मैं दबाता हूँ तो ये देखिए पावर इंडिकेटर ऑफ नहीं हो रहा है, स्टैंड बाई में ही है, रेड इंडिकेटर जल रहा है, ब्लू या ग्रीन नहीं हो रहा है। और रिमोट से भी अगर मैं इसको करता हूँ, रिमोट में मैंने सेल डाल दिया है, तो भी देखिए दोस्तों ये स्टैंड बाई से रिलीज बिल्कुल भी नहीं हो रहा। तो इस कंडीशन में दोस्तों आप इसको कैसे ठीक करोगे, बिल्कुल फ्रेश बोर्ड है दोस्तों। पहली बार मैं इसको ऑन किया लेकिन ये ऑन ही नहीं हुआ, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसके वोल्टेज नापेंगे। मैं देखिए कैसे इसको चेक करता हूँ, आउटपुट की सप्लाई अभी चेक करेंगे। एक तो पिन मैंने ग्राउंड कर दिया है नेगेटिव वाला, और पॉजिटिव वाले से देखिए यहाँ पर 12 वोल्ट DC चेक करते हैं, तो 12 वोल्ट DC बिल्कुल ठीक बन रहा है। पावर सप्लाई से जो पावर सप्लाई का सेक्शन है वो काम कर रहा है और आउटपुट में 12 वोल्ट सप्लाई दे रहा है, ठीक है दोस्तों, ये 12 वोल्ट सप्लाई। उसके बाद 12 वोल्ट से ये 5 वोल्ट में कन्वर्ट होता है, ये 12 वोल्ट सप्लाई यहाँ पर इस रेगुलेटर सेक्शन में इन होता है और 5 वोल्ट आउट करता है। ये देखिए यहाँ पर 5.2 वोल्ट, यानी 5 वोल्ट भी आउट हो रहा है। 5 वोल्ट आउट होने के बाद दोस्तों ये ड्यूल रेगुलेटर में जाता है, 5 वोल्ट इनपुट सप्लाई, यहाँ से 3.3 वोल्ट आउट होगा और यहाँ पे जाता है, यहाँ पर 1.2 वोल्ट होगा, ये देखिए 1.1, तो 1.1 या 1.2 वोल्ट होता है, ठीक है। ये भी सप्लाई बन रहा है, जो कि ये हमारे प्रोसेसर की कोर वोल्टेज सप्लाई है, बिल्कुल आ रहा है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 3.3 वोल्ट बनेगा, यहाँ से देखते हैं यहाँ पर 3.3 वोल्ट बन रहा है कि नहीं, ये देखिए 3.3 वोल्ट बन रहा है, ठीक है। ये 3.3 वोल्ट यहाँ पर जाएगा, ये हमारा जो फ्लैश एसी है उसके पिन नंबर 8 पर, तो 8 पर भी फ्लैश एसी के पिन नंबर 8 पर जा रहा है और 1 पर भी जा रहा है, और यहाँ से ही 1.8 वोल्ट बनेगा, लेकिन जब ये स्टैंड बाई से रिलीज होगा तभी यहाँ पर इनपुट 5 वोल्ट सप्लाई आएगा। देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए इनपुट 5 वोल्ट सप्लाई आ रहा है, यहाँ पे भी इनपुट 5 वोल्ट सप्लाई आएगा जब ये स्टैंड बाई से रिलीज होगा तब, ये देखिए यहाँ पर 1.8 वोल्ट आ जाएगा, तो ये प्रोसेसर ऑन होगा, अभी बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। तो इस कंडीशन में दोस्तों क्या कर सकते हैं हम लोग, फर्स्ट तो सप्लाई इसका बिल्कुल सही बन रहा है, स्टैंड बाई रिलीज नहीं हो रहा, तो स्टैंड बाई रिलीज ना होने का कारण ये भी हो सकता है दोस्तों, इसकी जो सॉफ्टवेयर है उसमें कुछ गड़बड़ी हो, तो फ्लैश आईसी में सॉफ्टवेयर इसका डला रहता है। तो सबसे पहले हम इसमें सॉफ्टवेयर करके देख लेंगे, अगर आपके पास कंप्यूटर है तो आप कर सकते हो,
अगर नहीं है तो और भी बहुत से ऑप्शन है आपको सॉफ्टवेयर करने के लिए, तो फिलहाल मैं आपको कंप्यूटर से सॉफ्टवेयर करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये बोर्ड का नंबर है TR67.675, ये 24 इंच का कॉम्बो बोर्ड है। एक सप्लाई आपको और दिखा देता हूँ, जैसे ये स्टैंड बाई से रिलीज होगा तो यहाँ पर ये देखिए 12 वोल्ट अभी यहाँ पे आ रहे हैं, वो 12 वोल्ट यहाँ पर आ जाएगा LVDS केबल पर। ये देखिए यहाँ पर LVDS केबल का आउटपुट यहाँ से पैनल पर सप्लाई जाता है, वहां पर आ जाएगा। तो अभी ये स्टैंड बाई में है। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसको सॉफ्टवेयर करके देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, आपके लिए हम बहुत मेहनत से दोस्तों वीडियो बनाते हैं, लाइक कीजिएगा तो हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और बहुत से अच्छे अच्छे नए नए टॉपिक्स के ऊपर वीडियो हम बनाते रहेंगे। तो दोस्तों मेरा तबीयत ठीक नहीं था इसलिए रेगुलर मेरा वीडियो नहीं आ रहा था इस चैनल पर, और मेरे लाइफ में क्या चल रहा है क्या हो रहा है दोस्तों उसके लिए मैंने एक व्लॉग चैनल बनाया है। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्लॉग चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा सोनिया हेमंत व्लॉग्स के नाम से। तो आप अगर व्लॉग देखना चाहते हैं तो वहां पर जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए और व्लॉग देख सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर आते हैं और इसको क्या करेंगे सॉफ्टवेयर करके देखेंगे। तो ये केबल हम लगा ही रहने थे क्योंकि इसमें हमें सप्लाई देना पड़ेगा। तो जल्दी से दोस्तों मैं RT809H का मेरा जो प्रोग्रामर है उसको सेटअप कर लेता हूं। तो दोस्तों मैंने प्रोग्रामर सेटअप कर लिया है, ये देखिए ये VGA केबल मैंने यहां पर मदरबोर्ड में लगा दिया है और प्रोग्रामर के VGA ISP पर ये VGA केबल लगा दिया। VGA केबल से हम प्रोग्रामिंग करेंगे क्योंकि इसको मैं निकाल के भी प्रोग्रामिंग कर सकता था लेकिन इसको निकालना नहीं है, मेरे को ऐसे ही प्रोग्रामिंग करना है। तो ये देखिए USB केबल हम यहाँ पर लगा देते हैं और इसमें देखिए पावर आ गया। और बाकी का काम दोस्तों आप कंप्यूटर स्क्रीन पे, मैं स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन कर दूंगा यहाँ से आप देख सकोगे। तो दोस्तों हमारा जो VGA केबल था RT809H का वो सही से काम नहीं कर रहा है, वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए मेरे को ये ऐसे ही निकालना ही पड़ रहा है। तो अभी मैं इस IC को निकाल के प्रोग्रामिंग करके देखता हूँ। मेरे को VGA केबल फिर से नया लेना पड़ेगा दोस्तों, केबल खराब है इसलिए अब IC को निकालना ही पड़ रहा है। तो दोस्तों अभी मैं IC को, जो हमारा फ्लैश IC है, इसको इस सॉकेट पे लगा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों सॉकेट का नंबर है SOP8 सॉकेट, इसे मैंने लगा दिया और ये मैंने इसको लॉक कर दिया। अब इसका USB केबल मैं लगा देता हूँ, इसमें पावर आ गया है। अब बाकी का आगे का प्रोसेस आप कंप्यूटर की स्क्रीन पर देखोगे। तो दोस्तों अभी मैं RT809H का जो प्रोग्रामर है इसका एप्लीकेशन को ओपन करने वाला हूँ, यहाँ पर ओपन कर दिया इसको। पहले रीड करेंगे इसका सॉफ्टवेयर को। सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, स्मार्ट आइडेंटिफाई स्मार्ट आईडी करना है 25X SPI फ्लैश एंड 24XXX 3.3 वोल्ट, इसको ओके करना है। चिप पिन कॉन्टेक्ट इज डिटेक्टेड, ओके। ये देखिए यहाँ पर इसका नंबर भी आ गया EN25Q32SOP8 कैपेसिटी 32 MB फॉर MB, ठीक है। अब इसको क्या करना, हमने रीड करना है, जो भी इसमें सॉफ्टवेयर है वो रीड हो जाएगा। रीड होते ही इसको एक बार सेव कर लेंगे, जो भी इसको फाइल नाम दे देते हैं, इसका बोर्ड का नंबर है, टेस्ट लिख देंगे। अभी ये ओके है या क्या है इसका पता नहीं है हमें, टेस्ट T.R67.675, ये टेस्ट नाम लिख देते हैं इसके, ठीक है।
कि क्या है कैसा है इसको हमें पता नहीं है। अब फाइल को हमने सेव कर दिया, ठीक है दोस्तों। अभी इसके हम बफर चेक कर लेते हैं, बफर में कोई दिक्कत तो नहीं है, इसका बफर तो बिल्कुल सही लग रहा है दोस्तों। तो इसमें नया सॉफ्टवेयर डाल के देख लेते हैं दोस्तों, अगर सॉफ्टवेयर से ठीक नहीं होता है तो आगे का हम प्रोसेस इसको देखेंगे कैसे ये ठीक हो सकता है। ठीक है, अभी इसको हम अब ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम इसका देखते हैं कौन से फोल्डर में है हमारे पास। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें ये फाइल मिल गया है TR67.675। ये देखिए, ये ओके फाइल है, इसको हम ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद इसको राइट कर देंगे। राइट करने के बाद दोस्तों ये आप देख सकते हो परसेंटेज इसका ये 100% होगा। ये पहले ऑटो इरेज हो रहा है, ये देखिए इसमें जो पहले वाला जो डाटा है उसको इरेज कर रहा है, उसके बाद इरेज हो गया। ये देखिए अब राइटिंग भी सक्सेसफुल हो गया, फिर वेरीफाई हो रहा है, ये देखिए हो गया बिल्कुल भी। ये देखिए दोस्तों, ये प्रोग्राम हो गया है इसी। अब देखते हैं दोस्तों ये काम करता है कि नहीं, प्रोग्रामिंग करने के बाद भी अगर ये ऑन नहीं होता है तो ये काफी बड़ा समस्या हो सकता है हमारे लिए। तो देखते हैं ये ऑन होगा कि नहीं होगा। तो जल्दी से दोस्तों मैं ऐसी को लगा लेता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ आपको, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर फ्लैश ऐसी लगा दिया है, अब देखते हैं दोस्तों इसको चालू करके। ये देखिए पावर इंडिकेटर ऑन हो रहा है, स्टैंड बाई से रिलीज करके देखेंगे। पहले आपको बता देता हूँ फिर से एक बार यहाँ पर, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 1.8 वोल्ट रिलीज नहीं हो रहा था। ये देखिए पहले भी स्टैंड बाई कंडीशन में था, अब हमने इसमें प्रोग्रामिंग किया है, सॉफ्टवेयर लगाया डाला है। अब देखते हैं स्टैंड बाई से रिलीज करके, अरे ये तो स्टैंड बाई से रिलीज हो गया, इसका इंडिकेटर ऑफ हो गया रेड वाला, बाकी दूसरा इंडिकेटर इसमें नहीं है शायद। तो इसको देखते हैं ये 1.8 वोल्ट रिलीज हुआ है कि नहीं। ये देखिए दोस्तों 1.8 वोल्ट रिलीज हो गया है, और दूसरा यहाँ पर जो 5 वोल्ट का ये जम्पर सेट किया हमने, वो ये पैनल सप्लाई के लिए 5 वोल्ट आया है कि नहीं। ये देखिए दोस्तों 5 वोल्ट भी यहाँ पर आ गया है, इसका मतलब ये है कि स्टैंड बाई से ये रिलीज हो गया है। डिस्प्ले लगा के पैनल लगा के भी पूरा चेक कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों हमारा प्रॉब्लम ये था कि स्टैंड बाई से रिलीज ये हो ही नहीं रहा था, नया नया बोर्ड था। तो दोस्तों नए बोर्ड में कभी कभी इसका और ज्यादा दिक्कत हो तो आईसी खराब निकल सकता है, प्रोसेसर खराब हो सकता है। लेकिन अगर इस तरह अगर स्टैंड बाई में है, स्टैंड बाई से रिलीज नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले आपने वोल्टेज चेक कर लेना है। वोल्टेज अगर आपके सही है तो आपने क्या करना है, सॉफ्टवेयर करके देख लेना है। तो हमने यहाँ पर सॉफ्टवेयर किया दोस्तों, और ये बोर्ड ऑन हो चुका है, स्टैंड बाई से रिलीज हो चुका है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने सीखा कैसे आप तो नए बोर्ड में भी अगर प्रॉब्लम हो तो उसको आसानी से रिपेयर कर सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आपके लिए नए नए वीडियोज हम बनाते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।